जा रही हूँ स्टफ्ड शिमला। इसके लिए मैंने आलू को हल्का सा बॉइल कर लिया है और फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और मैंने पनीर लिया है 100 से 150 ग्राम के करीब, थोड़ा सा गार्लिक किसा हुआ, अदरक थोड़ा सा किसा हुआ, हरी मिर्च एक, और यह शिमला है। शिमला को हमको इस टाइप से काट लेना है, पहले ऊपर का पोर्शन इसके बाद हम इसके अंदर के सीड निकाल देंगे। लीजिए हमने इसके सीड निकाल दिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको नीचे से भी काट देंगे जिससे कि हमारी शिमला प्रॉपर तरीके से कढ़ाई में बैठ जाए। अब हम इसकी स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी गर्म करूँगी। आप चाहें तो घी की जगह पर तेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। लीजिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें जीरा डालूँगी। सौंफ, कुटा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच, अब मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च कटा हुआ, अदरक, गार्लिक, अब हम इनको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे थोड़ा सा। लीजिए यह तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने बॉयल पोटैटो। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा मटर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी। बाद में मैं इसको अभी मैशर से अच्छे से मैश करूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आपको अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालना है। इस टाइप से हमको अपने आलू और पनीर को मैश कर लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा किशमिश, यह ऑप्शनल है। थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मिर्च डालूंगी, कसूरी मेथी डालूंगी सॉरी, मसल कर। लीजिए हमारी स्टफिंग तैयार है। अब मैं इसको ठंडा करके कैप्सिकम में भर लूँगी। अब मैं कैप्सिकम में अंदर लगाने के लिए थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डालूँगी और नमक, जिससे कि हमारी कैप्सिकम में भी कुछ टेस्ट होना चाहिए, वरना यह ठीक नहीं लगेगी खाने में, टेस्ट नहीं आएगा। हम इसको कैप्सिकम के अंदर लगा देंगे इस टाइप से। सारी कैप्सिकम को हमको इसी तरह से लगा देना है। अब मैं इसमें मसाला भरूंगी। लीजिए हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है।
हमको सारी कैप्सिकम को इसी तरह से भर लेना है। लीजिए, हमारी सारी कैप्सिकम भर चुकी हैं। अब मैं इनको कढ़ाई में रख दूंगी। इस टाइप से अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी पकाने के लिए। अब मैं इनको पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट। लीजिए, हमारी कैप्सिकम बनकर एकदम रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। लीजिए, हमारी स्टफ्ड कैप्सिकम एकदम तैयार हैं खाने के लिए। थैंक यू।